नमस्कार साथियों, मैं नवर्धन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भील प्रदेश का मामला है, जो उठ रहा है, भील प्रदेश, भील जनजाति करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से भील प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रही है। भील प्रदेश काफी पुराना मामला है। पहले जहां भीलों का शासन था अथवा भीलों की जनसंख्या अधिक थी, वह क्षेत्र भील प्रदेश कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे भीलों का राजपाट छीना गया, वैसे ही भील प्रदेशों के नाम बदल दिए गए। प्राचीन समय में भील देश विस्तृत क्षेत्र में फैला था। भील देश हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बड़े भाग शामिल है। भील प्रदेश के इस आंदोलन के बारे में संविधान क्या कहता है? भील जो प्रदेश की मांग हो रही है, उसके बारे में संविधान का क्या कहना है? संविधान के अनुच्छेद 342 में लिखा है कि जनजातीय समुदायों में समूह के कुछ हिस्सों के विनिर्देश से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है, जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संविधान के अनुसूचित जनजातियों के उद्देश्य के लिए माना जाता है। इन प्रावधानों के अनुसरण में अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित की जाती है। तो केवल उस राज्य या केंद्र प्रदेश में अधिकार क्षेत्र के अंदर या बाहर नहीं। भील अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं, यानी कि आदिवासी प्रदेश या भीलिस्तान की मांग क्यों कर रहे हैं? अपनी जमीन पर आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए समुदाय के लोग उस जमीन के पुनः अधिग्रहण की मांग कर रहे हैं, जहां से उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया था। अलग राज्य की मांग राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी बेल्ट से आई है। संबंधित सरकार की ओर से लगातार लापरवाही, जनजातीय जिनके जीवन यापन का स्रोत ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया जाता है, आर्थिक स्थिरता के नए तरीकों में समाहित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भील प्रदेश की जो मांग हो रही है वो किन कारणों से हो रही है और संविधान इनके बारे में क्या कहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मांग सही है या नहीं, ये प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को।